Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number one thirty eight, and we are going to talk about what's the function of the emotions. Emotions के context में we have to see कि emotions हमारे साथ interact कैसे कर रहे हैं और किस किस अंदाज में हमारे जज्बात और ऐसा साथ हमें मुतासर वो कर सकते हैं. So जब हम emotions को investigate करेंगे, तो याद रखें. देर आर फ्यू थिंगस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इमोशंस कैन टीच एस वैल्यूएबल लेसन इमोशन्स हमें सबक सिखा सकते हैं बहुत से चीज़ों के बारे में हमारी एसोसिएशन उन चीज़ों के साथ कैसी थी हमारी वाबस्तगी कैसी थी हमारे रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ कैसी थी ये सब चीजें हमारे जज्बात की मरहुने मन्नत हैं द सेकेंड थिंग इज जब हम इमोशंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड वी नीड टू डेवेलपर इमोशनल इंटेलिजेंस रिमेंबर कि इमोशंस कैन टेल अस दैट इज एक्चुअली वैल्यूएबल फॉर अस हमारे लिए किसी रिश्ते में किसी नाते में किसी चीज की वैल्यू के बारे में डिटर्मिनेशन हमारे जज्बात करते हैं और हमारे जज्बात हमें यह बता पाते हैं कि हम उसको वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं बिकॉज द इमोशन इज गोइंग टू बी द मैयर ऑफ अवर वैल्यू टू वर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग प्लेस

तो हमारी सोच हमारे थिंकिंग पैटर्नस आर बेसिकली लिंक्ड विद द इमोशंस एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के इमोशन हमारी परसेप्शन को भी पॉलिश करती है और हम ये जान पाते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किस चीज के बारे में बेहतर क्यों है और किस चीज के बारे में कमतर क्यों है और यहीं से बात हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन भी डेवलप वो होती है बिकॉज जिस चीज के साथ आपकी वाबस्तगी जज्बाती तौर पर ज्यादा होगी आप उसको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड और पिक कर सकोगे एज कंपेर टू के जिसको आपका जज्बा आपका एहसास रिस्पॉन्ड वो नहीं कर रहा देअर फॉर हमारी परसेप्शन हमारे थिंकिंग पैटर्न ये सब चीजें हमारे जज्बात और एहसास के साथ एसोसिएटेड वो होते हैं नाउ रिमेंबर के जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की डिस्कशन कर रहे हैं तो इन द फंक्शन ऑफ द इमोशंस वी हैव टू सी इमोशंस आर देयर टू गाइड एस टूवर्ड्स डिवेलपिंग अवर पॉजिटिविटी वेन वी आर अंडर सर्टन स्ट्रेस जो हम अपने वर्क स्ट्रेस को टैकल कैसे करें वर्क स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करें ताकि कहीं हमारा वर्क स्ट्रेस हमारे लिए एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन बर्नआउट इसका ना बन रहा हो सो so, उसका एक फंक्शन हमारे सामने ये आया कि हमें अपने वर्क स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे काम के साथ वाबस्तगी हमारी सेटिस्फेक्शन और डिसटिस्फेक्शन ऑब्वियसली ये भी हमारे जज्बात के साथ एसोसिएटेड है अगर हम अपने काम के साथ मोहब्बत करें हम अपने काम में इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट रखें तो ऑब्वियसली हमारा सेटिस्फैक्शन भी ट्रिगर करेगा लेकिन अगर हम उस काम को अपनी जज्बाती वबस्तगी में ही लेकर ना आए हम उसके साथ अपनी एसोसिएशन ही फील ना करें तो उसले, उससे हमारी डिससेटिस्फेक्शन वो क्रिएट होगी सो so, अगेन हमारे एहसास आर प्लेइंग रोल इन डिफाइनिंग आया हम अपने काम के साथ खुश हैं या नहीं हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम जज्बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आपका कैरियर जिसमें कि आप अपनी डेवलपमेंट चाहते हो उसके साथ आपकी एसोसिएशन कैसी है आया आप अपने आप को मजबूरी के मारे उस काम को कर रहे हो कि आप वहां पर वाकई उस काम के साथ अपनी एक ताल्लुक अपना एक एसोसिएशन वो रखे हुए हो सो so, आपकी कैरियर प्रोग्रेशन कैरियर डेवलपमेंट भी आपकी एसोसिएशन विद द वर्क एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ जो आप वहां पर काम कर रहे हो ये सब चीजें आपस में लिंक्ड हैं एसोसिएटेड हैं सो आपका कैरियर आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन आपका वर्क स्ट्रेस ये सब चीजें वो करेंगे कि जब हम को कर रहे हैं, तो आपकी future, future में आप क्या रिस्क एंटिसिपेट कर रहे हो फ्यूचर में बहुत कुछ ऐसा है जो आपने नहीं देखा नहीं जाना तो अब वो एंजाइटी जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से आपके साथ व्यवस्था है आया आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं बिकॉज अगर आप फ्यूचर के सोच में अपने हाल को खराब कर बैठेंगे तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी टेकन अप एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो यह है कि आप अपने हाल को कॉन्स्टेंट रखें उसको बेहतर करने की कोशिश करें और फ्यूचर की उम्मीद रखें ना कि आप फ्यूचर के बारे में वरीज कैरी करें देअ वी हैव टू बी केयरफुल जब हम अपने इमोशंस को डिफाइन वो कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि इमोशंस कैन गाइड अस कैन डेवलप अस एंड रिमेंबर दैट इमोशंस कैन आल्सो डिस्ट्रॉय अस सो हमें अपने इमोशंस को समझना है बिकॉज उसी समझ से हम अपनी एसोसिएशन विद द वर्क उसको डिफाइन वो कर सकेंगे थैंक यू